सर ये नेक्स्ट बड़ा कॉमन क्वेश्चन है जो कि तमाम पेशेंट्स ही पूछते हैं, तो मैंने कहा मैं अपने व्यूज के साथ वो शेयर करता चलूं, वो ये है कि एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स कौन कौन से हैं। मैंने जैसे पहले कहा कि हर वो चीज़ जो आपको यूथफुल अपेयरेंस दे वो एंटी एजिंग में आएगी, और ट्रीटमेंट में अब हम स्पेशली आते हैं तो जो कॉमनली यूज होते हैं मैं उनके नाम लूँगा। बोटॉक्स है, ये बड़ा कॉमन एंटी एजिंग ट्रीटमेंट है जिसमें आपके माथे पे आंखों के गिर यहाँ पे जो झुर्रियाँ आ जाती हैं ये उनको इफेक्टिवली रिमूव करता है बोटॉक्स। ये इंजेक्शन बहुत सेफ है, ये को पिछले 2-3 दहाइयों से बड़ा इफेक्टिवली लोगों को यूथफुल अपेयरेंस दे रहा है। जस्ट 10-15 मिनट्स का ये प्रोसीजर है, इसमें आपकी स्किन की झुर्रियाँ निकल जाती हैं और आपकी फ्रेश लुक आ जाती है। जो दूसरी कॉमन ट्रीटमेंट है वो है फिलर्स, जो कि आपके लाफ लाइन्स आपके चेहरे पर और कहीं अगर फर्ज करें कि किसी वजह से फैट कम हो गई है और आपके पिचके हुए गाल हैं तो उसको वो करेक्ट कर सकती है। जो आपके लिप्स हैं इन लिप्स के साइडों पे स्पेशली ये जगह डाउन हो जाती हैं, लोगों के जो एंगल ऑफ माउथ है ये नीचे की तरफ डाउन हो जाता है जो कि एक अपीयरेंस देता है ओल्ड एज की, इनको ठीक किया जा सकता है। उसके अलावा हेल्दी और पल्पी जो लिप्स हैं वो फिलर से बनाए जा सकते हैं, ये बोटॉक्स और फिलर हो गया। उसके बाद हैं कुछ ट्रीटमेंट्स होती हैं मशीनों के ज़रिए जिनके ज़रिए आप अपनी स्किन को बगैर कोई इंजेक्शन लगाए, बगैर कोई सर्जरी किए, बगैर कोई कट लगाए। मैं ये समझता हूँ कि इस प्रेजेंट दौर में जो मेडिकल साइंस का सबसे बड़ा गिफ्ट है ह्यूमैनिटी के लिए वो ये भी है, एंटी एजिंग ट्रीटमेंट्स में जो मिनिमली इन्वेजिव और नॉन इन्वेजिव ट्रीटमेंट्स आई हैं, जो ये मशीनों से हम स्किन टाइटनिंग और एंटी एजिंग करते हैं ये नॉन इन्वेजिव है। इसमें दो तरह की ट्रीटमेंट है इस वक्त जो बहुत इफेक्टिव और हम कर रहे हैं, उनमें से एक है हाइफू। ये बुनियादी तौर पे है हाई इंटेंसिटी फोकल अल्ट्रासाउंड। इसमें ये होता है कि आप मशीन के जरिए एनर्जी डिलीवर करते हैं इन जगहों पे, डबल चिन, आपके चीक्स, आपकी ये जगह फोरहेड टेम्पल्स के साथ वाला एरिया, ये क्या करती है अल्ट्रासाउंड वेव्स आपकी स्किन में जाती हैं, फैट को ब्रेक करते हैं और जो आपके कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स हैं उनको एनर्जी प्रोवाइड होती है और वो टाइट हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है कि स्किन दोबारा टाइट हो जाती है। इसकी मैं एग्जांपल यूज दूंगा, ये देखें जैसे ये कोई चीज़ ढीली है, ऊपर से एनर्जी पड़ी और इसने आहिस्ता आहिस्ता ऐसे टाइट होना शुरू हो गई। ये इस तरह आपकी स्किन अगर फर्ज करें वो ऐसे लूज है तो इस तरह टाइट हो जाती है, उसमें से जो फैट एलिमेंट है वो कम हो जाता है। उसके ये ट्रीटमेंट जस्ट 30-45 मिनट्स की है। कोई स्किन के ऊपर जिस वक्त ये ट्रीटमेंट होती है तो स्किन के ऊपर कोई चेंज नहीं आती, जो चेंजेस आती हैं वो स्किन की अंदर वाली लेयर पे आती है, स्किन हल्की से पिंक होती है, जो कि आप जाके फेस वॉश करते हैं वाटर से तो वो नॉर्मल हो जाती है। तो इट्स वेरी इफेक्टिव, वेरी स्टेट ऑफ द आर्ट एंड ब्लेसिंग फॉर ऑल दोज पीपल कि जो ये चाह रहे हैं कि उनकी स्किन फ्रेश हो जाए। इसके बाद जो चौथा अहम ट्रीटमेंट है वो है ट्राइपोलर। ट्राइपोलर बेसिकली ऐसा ट्रीटमेंट है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी स्किन के अंदर जाती हैं। वो भी ये होता है कि कोई कट नहीं लगता, कोई स्टिच नहीं लगता, कोई इंजेक्शन नहीं है। एक मशीन होती है जो आपके फेस के ऊपर मूव की जाती है, हल्का हल्का वो आपको गर्म महसूस होती है क्योंकि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आपकी स्किन के अंदर जा रही होती हैं। उनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन भी यही है कि वो फैट को ब्रेक करती हैं और कोलेजन और इलास्टिक फाइबर्स को उसी तरह जैसे ऐसे वो ढीले पड़े हुए तो ऐसे टाइट कर देते हैं। हाइफू में और जो आपकी ट्राइपोलर ट्रीटमेंट है इन दोनों में फ़र्क ये है कि जो हाइफू है वो सिंगल ट्रीटमेंट है, जबकि जो ट्राइपोलर है ये 6-8 सिटिंग्स होती हैं, वीकली आपने विजिट करना होता है, 20 मिनट्स की ट्रीटमेंट है और इसमें भी स्किन के ऊपर कोई रेडनेस, कोई रैश कुछ नहीं आता, सिर्फ हल्की सी स्किन पिंक होती है और आपका ट्रीटमेंट मुकम्मल हो जाता है।